देख रहे हैं पलपल न्यूज। तो आज की कुछ खास खबरों के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल उपकरण देने पर चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर लगाई रोक। हुबली हत्याकांड आरोपी फयाज की मां ने नेहा के परिजनों से मांगी माफी, बेटे के लिए कड़ी सजा की मांग की। इसराइल ने रफा पर फिर किया हवाई हमला, 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना, भागलपुर रैली में बोले राहुल गांधी। एलन मस्क का भारत दौरा टला, 21 अप्रैल को भारत आने वाले थे, पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात, सूत्रों से पता चला। और अब दुबई की बाढ़ के बाद दुनिया के सामने खड़ा हुआ नया संकट, मौसम विज्ञानियों ने दी मौसम युद्ध छेड़ने की चेतावनी। रूस को अंधेरे में डुबाने की साजिश नाकाम, पुतिन की सेना ने 50 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया। मुरादाबाद से बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वे सिंह का निधन, सीट पर कल हुआ था मतदान। समान नागरिक संहिता भारत के कोर इशूज में, अमित शाह की कोशिश अपने क्वार्टर को एक करने की। और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानून ढांचे ने एक नए युग में प्रवेश किया है। दिल्ली में नाबालिग भाई बहन के शव घर से मिले, माँ बेहोश पड़ी थी, पिता की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक से बरामद। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी, AFSPA हटने के बाद पुलिस संभालेगी राज्य, 30 सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव संभव। और मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश, 22 अप्रैल को चुनाव, 19 अप्रैल को राज्य की दोनों सीटों पर 72% मतदान हुआ था। पतंजलि योगपीठ को योग शिविरों में प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर भुगतान करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और धनबाद में सड़क हादसा, बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत, बहन घायल। गिरफ्तारी से पहले ही इंसुलिन लेना बंद कर चुके थे केजरीवाल, तिहाड़ जेल प्रशासन ने LG को सौंपी रिपोर्ट। हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 67 रनों से रौंदा, ट्रैविस हेड की शानदार पारी। इतना ही, बने रहे पल पल न्यूज के साथ, नमस्कार।